पैशन इज द फ्यूल, पेट्रोल जो गाड़ी में लगता है ना वो है। जितना पैशन उतनी लंबी आपकी गाड़ी चलेगी, और गाड़ी बहुत ऊपर खाबड़ रस्तों में से निकलेगी बिजनेस की, तो इतना आसान नहीं होगा रोड, तो फ्यूल पूरा भर के रखिए, और फ्यूल है पैशन। Hey guys, this is Avi Arya, father of two girls, six dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Welcome to my channel. Hi guys, this is Avi Arya and in this video, I'll teach you how to decide which business to start. Before we start a business, mind mein bahut confusions aati hai. Kaun sa business start karun? Kis business mein jyada scope hai? Kaun sa business jyada chalega? आजकल कौन सा डिमांड में है, पैसे कितने लगेंगे, इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी, लोन तो नहीं लेना, कोई पार्टनर बनाना है या अपने आप कर सकता हूँ, लॉजिस्टिक्स क्या होगी, क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से कुछ, मेरी को अपने फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा, क्या मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ उस बिजनेस को, क्या मैं बिजनेस अपनी फैमिली के साथ कर सकता हूँ, क्या मैं सिर्फ शाम को कर सकता हूँ, क्या मैं वीकेंड्स पे शुरू कर सकता हूँ अपना जॉब बिना छोड़े, बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। I have started multiple businesses और आज तक कोई business मैंने बंद नहीं किया। 2000 के आसपास मैंने travel की website शुरू करी थी and they did extremely well. By 2005 I had 100 websites. हाँ, 96 of them didn't do well, but 4 of them became rock stars and they became some of India's top affiliate travel websites. फिर मैंने एक hospitality division में काम किया अपने father के साथ and we grew our hotel business and they became the most award-winning boutique hotels in the country. फिर 2009 में आई स्टार्टेड माई ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कॉल्ड इंटरनेट मोगल्स विद अ 4 मेंबर टीम, इंडियाज फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वेंट फ्रॉम 4 टू 225 पीपल वर्किंग विद 700 क्लाइंट्स इन 10 कंट्रीज। आई डिलीवर स्पीचेस अराउंड द वर्ल्ड एंड टुडे आई एम वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट पेड सोशल मीडिया स्पीकर्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग पीपल हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस ऑनलाइन। बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत अच्छा सफर रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन हुई, बहुत सारी सोल्यूशंस को मैंने खुद ढूंढा, बहुत सारी मेरे मेंटर्स के थ्रू ढूंढे, बहुत सारी मास्टरमाइंड्स के थ्रू, बहुत लोगों से मिला, बहुत कुछ सीखा, और आज वो ही कुछ लर्निंग्स आपके पास लेके आया। सी, मेरा मानना ये है कि आपका बिजनेस जो है दो चीज़ों की इंटरसेक्शन पर मिलता है, आपका पैशन और कुछ स्किल। सिर्फ पैशन अकेला काफ़ी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं दिल से जो आवाज आए, जो अच्छा लगे वो करो। गाना गाना अच्छा लगता है, चलो गाना गाओ। दिल से बहुत अच्छा लगता है गाना गाना सुनना। मैं इंडियन आइडल हमेशा देखता हूँ, मैं हमेशा सोचता था मेरा सपना हो। लेकिन अगर उस चीज की आपके पास स्किल नहीं है तो आप दूसरे को वैल्यू नहीं दे पाएंगे। सी, बिजनेस का मतलब है गिविंग द अदर पीपल वैल्यू, राइट? सो अदर स्किल्स, मेरा स्किल, मेरा पैशन है कि मैं पैराग्लाइडिंग करूँ या मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स, लेकिन अगर उसमें आपका कोई स्किल नहीं है जो आप दूसरे को सिखा सकते हो तो शायद वो बिजनेस आपके लिए ठीक नहीं है। अब इसी चीज़ को दूसरी तरफ से देख लेते हैं। स्किल, मेरे को बहुत अच्छी तरीके से लोगों को पढ़ाना आता है लेकिन पैशन नहीं है। सिखा लेता हूँ, स्कूल में ट्यूशन ले लेता था लेकिन उसके लिए पैशन नहीं है, तो ज़्यादा दूर तक वो गाड़ी नहीं चलेगी। पैशन इज़ द फ्यूल, पेट्रोल जो गाड़ी में लगता है ना वो है। जितना पैशन उतनी लंबी आपकी गाड़ी चलेगी, और गाड़ी बहुत ऊपर खाबड़ रस्तों में से निकलेगी बिजनेस की, तो इतना आसान नहीं होगा रोड, तो फ्यूल पूरा भर के रखिए, और फ्यूल है पैशन, तो फ्यूल खत्म ना हो इसीलिए पैशन वाला बिजनेस हम रेकमेंड करते हैं। तो अब आप समझ गए कि अगर पैशन नहीं है तो स्किल, पैशन नहीं है तो सिर्फ स्किल काफ़ी नहीं है, अगर स्किल है तो सिर्फ पैशन काफ़ी नहीं है, तो दोनों चीज़ों के इंटरसेक्शन पर आपको अपना आइडियल बिजनेस मिलता है, राइट? आप तीसरी चीज़, मेरे पास पैशन है और मेरे को इस चीज़ के बारे में आता भी है। तीसरा, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है? मार्केट में डिमांड पता करने का सबसे इजी तरीका है, गूगल पे जाइए और एक बार सर्च कीजिए और देखिए कितने लोग उस पर ऐड दे रहे हैं, कितने लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं फर्स्ट पेज पे, और उनमें से 8-10 कंपनीज को फ़ोन करके पूछिए वो सर्विस के कितने पैसे ले रहे हैं। आपको एक हफ्ते के अंदर क्लियर हो जाएगा कितनी डिमांड है उस चीज़ की। दूसरा, YouTube पे जाके देखिए कितने लोग उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप समझ जाओगे ये चीज़ डिमांड में है। और कभी कभी डिमांड में अभी नहीं है लेकिन सर्चेस है, लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन सही लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, सही जवाब नहीं मिल रहे लोगों को, तो देन यू कैन से दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट। सो पैशन, स्किल और मार्केट की डिमांड, इन तीनों चीज़ों का अगर आपको मिश्रण मिल जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरी जो बिजनेस है ये मुझे करना चाहिए। जैसे कि मैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ बिजनेस ओनर्स को,
क्योंकि आज की डेट में बिजनेस ओनर्स चाहे वो लाखों रुपए कमा रहे हो या करोड़ों रुपए कमा रहे हो, बिजनेस से ज्यादा तक ऑफलाइन नहीं चल रहे हैं, ट्रैवल बंद है, तो लोग कह रहे हैं इंटरनेट पे अपना बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। तो इसका मेरा पैशन भी है क्योंकि मैं 2000 से कर रहा हूँ, मेरे को 20 से ऊपर साल हो गए करते हुए, तो मेरा पैशन है इसमें। दूसरा मेरा स्किल भी है क्योंकि मैं 8000 से ऊपर लोगों को समझा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ और 800 से ऊपर कंपनीज के साथ काम कर चुका हूँ और डिमांड डिजिटल की सबसे ज़्यादा है आज की डेट में। सो ये मेरा बिजनेस है जो मैं आज से आगे 10-15 साल तक करता रहूँगा। तो आप अब इन तीनों चीज़ों को ढूंढिए, पैशन, स्किल और मार्केट डिमांड। कैसे ढूंढेंगे इसका मैं आपको फ्रेमवर्क बताता हूँ। एक पेपर निकाल लीजिए, अपनी डायरी में पहले पेज पे लिखिए ए ऊपर, दूसरा लिखिए बी, तीसरा सी। ए के नीचे लिखिए पैशन, बी के नीचे लिखिए स्किल और सी के नीचे लिखिए मार्केट डिमांड। पैशन में 10 चीजें लिखिए जिसका आपको पैशन है, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, टीचिंग पीपल, ट्रेनिंग, टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड, क्रिकेट, यू नो, टॉकिंग अबाउट ऑडियो इक्विपमेंट, टेक्निकल इक्विपमेंट, टॉकिंग अबाउट वीडियो गेम्स, टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, जो भी आपका पैशन है। फिर आप स्किल्स लिखिए, स्किल्स क्या है, कार्पेंट्री, यू नो अगेन फोटोग्राफी, स्किल्स कुड बी यू नो यू कैन हेल्प इन द मेडिकल प्रोफेशन और यू कैन हेल्प इन टीचिंग पीपल मैथ्स और यू नो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जो भी आपकी स्किल है। फिर आप देखिए ए और बी को के बीच में एरो डालिए, जहाँ कौन से एज आपके बी के साथ मिलते हैं, कि आपका पैशन और स्किल कहाँ मिल रहा है, उनको आप एक रेड लाइन से जोड़िए। जहां आपका ए और बी मिल रहा है उनको जोड़िए, कौन सा स्किल कौन से पैशन के साथ कनेक्ट हो रहा है, किन चीजों में स्किल और पैशन दोनों है उनको देख लीजिए। तो क्या होगा, 10 स्किल और 10 पैशन के अंदर से ये अब 3 तक रह जाएंगे। जब एक बार ये 3 रह गए, उसके बाद आप आइए उन तीनों में मार्केट डिमांड देखिए। कैसे, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, कितने लोग इन बिजनेसेस के बारे में बात कर रहे हैं, उनको फ़ोन करके पूछिए क्या मार्केट प्राइसिंग है, कितने लोगों की डिमांड है, उनकी कंपनीज कैसे चल रही है। फिर आप उन 3 में से 2 को शॉर्टलिस्ट कीजिए। जब आपके 2 शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, तब आप उसके ऊपर थोड़े दिन मंथन कीजिए। कोई जल्दी नहीं है, बिजनेस एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। सोचिए उसके बारे में, विजुलाइज कीजिए कि आप उस बिजनेस को चला रहे हैं, आप उसको कैसे ग्रो करेंगे, कौन सा पार्टनर होगा, कितने पैसे लगेंगे, कैसे आप उसको इंटरनेट पे आगे ग्रो कर सकते हैं। अपने वाइफ या हस्बैंड से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए कि ये चीज़ मैंने करी है, आपको क्या लगता है। एक और चीज़, जब आप ए बी और सी कर रहे हो ना, तो ए और बी करने के टाइम तब भी आप अपने दोस्तों से, अपने स्पाउस से, अपने फैमिली से सलाह ले सकते हो। ये मैंने 10 चीज़ें लिखी हैं, इस 10 में से मुझे बताओ कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है मैं ट्रूली पैशनेट हूँ, वो आपको बताएंगे आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा पैशनेट हो। फिर अपनी स्किल चेक भी आप कर सकते हो कि क्या ये स्किल्स हैं मेरे में, आपको लगता है, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले आपको बताएंगे कि किन चीज़ों में उनको लगता है आपकी स्किल है, तो आपका ए और बी जो है वो वैलिडेट हो जाएगा। जब एक बार आपका ए और बी वैलिडेट हो गया, फिर आप सी पे आइए। सी पे फिर आप उसको देखिए कि उसकी मार्केट डिमांड कितनी है। ये तीनों चीज़ें करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ यार, ये मेरा बिजनेस है, इसमें मुझे आगे जाना है। उसके बाद उस बिजनेस को अप्रोच करने के लिए उसका कस्टमर कौन है, कस्टमर अवतार क्या है, उसको कैसे ढूंढे, उसको कैसे मार्केट करें, उसको कैसे अपने बिजनेस में लेके आए, हाउ टू फाइंड योर कस्टमर अवतार, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपका ए और बी क्या है, कमेंट में बताइए। और ए और बी लिखने के बाद नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, हाउ टू फाइंड योर कस्टमर अवतार। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज रवि आर्या साइनिंग ऑफ।